दोस्तों, भूत प्रेत पैरानॉर्मल एक्टिविटी की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल वाला बटन दबाएं, फ्री है, पैसे नहीं लगते। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। राजकुमारी की पति के मरे अभी 6 महीने ही हुए थे। ऐसे राजकुमारी देखने में काफी खूबसूरत थी। अभी साल भर ही शादी के हुए थे, पर अचानक उसके पति की मौत हो गई। वह अपने सास के साथ गांव में रहती थी। वह बहुत खूबसूरत थी, यही कारण है कि कई सारे लोग उसे बुरी नजर से देखते थे, पर वह किसी को भाव नहीं देती थी। रमेश पूरे दिन उसके घर के आगे पास भटकता रहता था। गांव वाले रमेश की मजाक उड़ाते थे, उसे आवारा कहते थे, पर वह राजकुमारी का पीछा नहीं छोड़ रहा था। किसी भी हाल में वह राजकुमारी को पाना चाहता था। एक रात रमेश चुपके से राजकुमारी के घर में घुस गया। वह देखता है राजकुमारी और राजकुमारी की सास दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और कहीं जाने की जल्दी में हैं। रमेश सोचता है कि मैं भी देखूं ये कहां जा रहे हैं। रमेश उसके पीछे पीछे चल देता है। राजकुमारी और उसकी सास एक मुर्दघट्टी में जाते हैं जहां बच्चे को दफन करते हैं। जब कोई बच्चा मर जाता है तो उसे दफन कर दिया जाता है, उसे जलाया नहीं जाता। तो देखता क्या है कि राजकुमारी और उसकी सास वहां जाकर कब्र से एक बच्चे को निकालती है। राजकुमारी उसे तेल लगाती है, उसकी मालिश करती है, आंखों में काजल लगाती है। बच्चा रोने लगता है किलकारी मारकर। अब राजकुमारी और उसकी सास वहां नग्न अवस्था में नाच करती है। यह सब देखकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह काफी घबरा जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। यह क्रियाएं वहां चलती रहती है। सुबह जब रमेश की आंखें खुलती है, रमेश भागता हुआ गांव में आता है और गांव वालों को सारी घटना बताता है। परंतु गांव वाले उसका विश्वास नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं रमेश राजकुमारी का दीवाना रहता है। वह उसे किसी भी हालत में पाना चाहता है, इसीलिए वह चाहता है कि राजकुमारी कैसे भी बदनाम हो जाए गांव में, इसीलिए उसे डायन बताना चाह रहा है। इसी के कारण गांव वाले इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं और गांव में अनेकों घटनाएं घटती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे और सारी डरावनी और सत्य कथाएं हम आपको सुनाएंगे। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।